हेलो दोस्तों, तुमने टॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परमाणु हथियार होते क्या हैं। तो जानिए, ये पृथ्वी के सबसे खतरनाक हथियार हैं, जो ऐसा बम या मिसाइल होता है जिसमें विस्फोट के लिए हम लोग परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। यह दो तरीके से काम करता है, परमाणु विखंडन के रूप में जिसे हम परमाणु बम कहते हैं, और दूसरा है परमाणु संलयन जिसे हम हाइड्रोजन बम कहते हैं। इसके माध्यम से जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा से ही हानि हमको देखने को मिलती है। यह एक बहुत शक्तिशाली हथियार होता है जिसके माध्यम से आप पूरे शहर को नष्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से कई लाखों लोग जो हैं वो मर सकते हैं, साथ ही साथ प्राकृतिक पर्यावरण पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है। इसके अलावा जो रेडिएशन निकलता है उससे भविष्य की पीढ़ियां पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। इसका निर्माण किया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, और जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था मैनहैटन। मैनहैटन प्रोजेक्ट जो है उसके माध्यम से बनाया गया था। और इसका इस्तेमाल पहली और आखिरी बार किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा पे किया गया था 6 अगस्त को और नागासाकी पे किया गया था 9 अगस्त को। यहां पर जो बम का नाम था वो था लिटिल बॉय, और यहां पर जो नाम था उसे कहा जाता है फैट मैन। बात करते हैं एनपीटी की। तो एनपीटी 1970 में लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है परमाणु हथियारों और इसकी तकनीक के प्रसार को रोकना और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, साथ ही साथ परमाणु निरस्त्रीकरण अर्थात जितना भी वेपन है उसको खत्म करने की तरफ आगे बढ़ना। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो 191 हैं, और इनमें 5 परमाणु संपन्न देश हैं जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जो 5 हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इनका निर्धारण किया गया था कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिनके पास परमाणु हथियार थे उन्हीं को यहाँ पर परमाणु संपन्न देश में रखा गया है। इसका महत्व क्या है कि यह परमाणु संपन्न देशों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर काम करती है। यह एक बाध्यकारी संधि है। अगर भारत की बात करें तो भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान, इसराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिणी सूडान भी इसके भाग नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा ऐसा कहा है कि यह भेदभावपूर्ण एक तरह की संधि है। तो भारत की इस पर नीति क्या है? भारत ये कहता है कि नो फर्स्ट यूज अगेंस्ट द एनडब्ल्यूएसटी, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनके खिलाफ भारत पहले उपयोग नहीं करेगा, और जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनके खिलाफ भारत कभी भी इसका उपयोग नहीं करेगा। अगर इसके समीक्षा की बात की जाए तो इस संधि के कार्यान्वयन की समीक्षा जो है वो हर 5 वर्ष में की जाती है। तो ये रही आज की बात हमारी एनपीटी की। इस पर 2 और बातें करनी है सीटीबीटी की, जिस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए।